भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कुसुमाबाद गांव में घर पर भुट्टा खा रहे एक बालक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे रवि बुरी तरह जख्मी हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। ग्रामीण अरुण मंडल ने बताया कि अचानक सुबह गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद घायल की मां ने आकर देखा तो उसका बेटा खून से लथपथ गिरा हुआ था। परिजनों ने किसी भी तरह का किसी से कोई दुश्मनी होने से इनकार किया है। वहीं सुल्तानगंज पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर सिटी से नीलांबुज कुमार झा की रिपोर्ट। देखिए, सुबह का समय लगभग 8:30-9 बज रहा था। बच्चा अपने दरवाजे पर बैठ कर चौकी पर भुट्टा खा रहा था। तो भुट्टा खा रहा था अपना मनमगन, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे, तो इसकी माँ जो है कि सुना के आवाज़ हुआ तो देखा कि हमारा बच्चा जो है कि गिर गया। किधर से गोली आया, कैसे गोली चला, ये अभी तक जानकारी नहीं हुआ है। जानकारी लेकिन बहुत जल्द पता लग जाएगा कि कहाँ से गोली चला है या कैसे क्या हुआ है। बच्चे का नाम क्या? रवि कुमार है। बच्चे का नाम 12 वर्ष। आपका घर कहाँ? कसमाबाद थाना सुल्तानगंज जिला भागलपुर। आपका नाम क्या है? अरुण मंडल। आपके लगते कौन है? क्या बोले? मतलब आसपास किसी से विवाद हुआ? ना ना, वहाँ पर कहीं कोई किसी से विवाद नहीं है, विवाद का कहीं कोई बात नहीं है। घटना कैसे हुआ उसी पर हम लोग जो है कि अति कर रहे हैं। इसकी सूचना थाना प्रभारी? हाँ, थाना प्रभारी को दे दिया गया है। वो बोले कि हम बहुत जल्द पता कर लेंगे कैसे गोली चला है या क्या हुआ है। अपराधी के तरफ से यदि गोली चला होगा तो अपराधी को यथाशीघ्र जो है कि गिरफ्तार किया जाएगा। घटना का जो है विस्तृत जानकारी नहीं मिल पा रही है कि घटना कैसे है? हाँ, ये अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं मिल पा रही है। आसपास के ग्रामीणों का कहना, और मेरा भी घर वहीं है, सभी का कहना है कि गोली जो है कि नहीं, गोली लगा हुआ है अंदर में ही है, पीछे में गोली लगा है, यहाँ पे आके फंसा हुआ है गोली। अभी तो सीटी स्कैन हो गया है, जैसे ही तुरंत हम उसको फूलो मंडल। Press the bell icon on YouTube and never miss another update.